हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ पूजा खबिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा का आज सातवां दिन है। सीएम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सातवें दिन सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा बादली, कोसली और पटौदी पहुंची, जहां लोगों ने सीएम मनोहर लाल का फूलों से स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से अगले 5 साल के लिए आशीर्वाद मांगा और यात्रा रथ से फूल बरसाकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। इस मौके पर सीएम ने अपनी सरकार के काम का भी ब्यौरा दिया और कहा कि अब लोगों को पहले की तरह अपने कामों के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। वहीं मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। तो इधर फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों का उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने मंगलवार को जायजा लिया। इस दौरान विपुल गोयल ने सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए। बता दें कि सीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद में ऐतिहासिक स्वागत होगा। तो उधर झज्जर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। इस दौरान कश्मीर मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने मोदी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और इसे हम खुद सुलझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर ना तो पहले किसी देश के हस्तक्षेप की जरूरत थी और ना ही अब। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कश्मीर मुद्दे पर दो टूक जवाब दिया था कि कश्मीर मुद्दा हमारी द्विपक्षीय वार्ता है, इसमें किसी तीसरे देश की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन आशीर्वाद यात्रा को लोगों से सीधा संवाद करने का अच्छा जरिया बताया। उन्होंने कहा कि आज लोगों को अपने काम के लिए अब अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जम्मू कश्मीर भारत का एक आंतरिक मामला है, इसलिए आंतरिक मामले में दूसरे किसी और देश की कोई आवश्यकता लगती नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको अपने घर में बैठ करके अगर छोटी मोटी उस रीजन के साथ करना या हैप्पी सही जो कांग्रेस के शासनकाल के इतने सालों का परिणाम है उसको हम मिल बैठ करके सॉल्व करेंगे और उसमें किसी प्रकार की जनता को तकलीफ नहीं आने देंगे। कश्मीर के लोग भी हमारे अपने लोग हैं तो अपने लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा। लोक संपर्क, लोक संवाद, इसके नाते से यात्रा सबसे बढ़िया साधन है। जब एक ही समय में इतने सारे लोगों से एक साथ मिलना हो जाता है, हर दिन पिछले दिन से भी ज्यादा हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर गांव के अंदर इतने लोग प्यार से स्वागत कर रहे हैं यात्रा का, अभूतपूर्व। हमारा मन भाव हो रहा है इससे कि हम लोग एक कभी कभी आकलन करते हैं कि जनता के मन में हमारा जो हमारे बारे में धारणा बनी है सरकार में ना, जनता की सेवा जनसे मन से भाषा में कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहा। जिस प्रकार से जनता ने अभी तक के परिणाम दिए हैं, लोकसभा में भी हमें 79 सीटों के ऊपर लीड मिली है, तो एक विचार करके और इस प्रकार का जनता के जो एक मूड का ध्यान रखते हुए एक टारगेट रखा जाता है। हमने 75 का टारगेट जो रखा है, 75 तो आनी ही चाहिए हमारे हिसाब से, प्लस का जो बात रखी है वो जनता के लिए रखी है, जनता कितनी दे सकती है। तो इधर कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई के घर सहित दूसरे ठिकानों पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने एक बार फिर बिश्नोई परिवार पर कार्रवाई की है।
अपनी कार्रवाई में विभाग ने बिश्नोई परिवार के गुरुग्राम के 150 करोड़ के होटल को बेनामी संपत्ति के तहत जब्त कर लिया। आयकर विभाग ने कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत की है। आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने यह कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने जो संपत्ति जब्त की है उसका स्वामित्व ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसमें 34% शेयर दूसरी कंपनी के हैं जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। यह कंपनी संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती है। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई जुलाई 2019 में कंपनी से जुड़ी जांच में सबूत के आधार पर की है। इस जांच में आयकर विभाग को कई ऐसे सबूत हाथ लगे थे जिससे कंपनी के स्वामित्व पर शक हुआ था। ब्रिस्टल होटल के स्वामित्व को लेकर आयकर विभाग ने अनियमितता पाई थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। तो बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को अंबाला में पहुंचे। इस दौरान चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, सुभाष बराला समेत कई नेता वहां मौजूद दिखे। बता दें कि जेपी नड्डा 3 जिलों की 10 विधानसभा सीटों के प्रमुख और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। बैठक से पहले जेपी नड्डा शहीद मेजर अमित आहूजा के परिवार वालों से भी मिले और शहीद की फोटो पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश के लिए शहीदों की शहादत कभी व्यर्थ नहीं की जाएगी। इसके अलावा जेपी नड्डा ने शहीद के परिवार को भी सांत्वना दी। आहूजा की वीर गाथा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अमित आहूजा जैसे शहीदों की शहादत दिलेरी और जिंदा दिली की वजह से ही हम सुकून की नींद सो पाते हैं, क्योंकि ऐसे वीर ही हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत राष्ट्र बनकर आगे बढ़ेगा, जो शक्तिशाली, समृद्ध और श्रेष्ठ भारत बनेगा। चलिए बात अब तो शाम की कर लेते हैं, जहां पर सांसद धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2 सितंबर को सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का आह्वान किया। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर पर लोगों को पार्टी से जोड़ें और कार्यक्रम को सफल बनाए। इस दौरान धर्मवीर सिंह ने दावा किया कि 8 सितंबर को रोहतक में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में भी तो शाम से करीब 8,000 लोग रवाना होंगे। वहीं उन्होंने सभी पना प्रमुखों की बैठक ली, उन्हें रैली को सफल बनाने के लिए आदेश दिए। सांसद धर्मवीर सिंह ने लोक निर्माण विश्राम गृह में लोगों की जन समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को तुरंत हल करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इलाके में पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 2 तारीख को यहाँ से रथ यात्रा है, उसकी तैयारी के लिए लोगों को 8 तारीख को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी रोहतक आएंगे, उसमें पन्ना प्रमुख खासकर अपना पन्ना को लेकर अपने हाथ में, क्योंकि यहाँ तकरीबन 3200 समथिंग पन्ना प्रमुख, हर पन्ना प्रमुख कम से कम एक आदमी को और साथ लेके जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि 7-8 हज़ार आदमी इस प्रोसान विधानसभा क्षेत्र से 8 तारीख को रोहतक की मीटिंग में आएंगे। इस बात के लिए साथ साथ में जो भी लोगों की जन समस्याएं हैं उनको सुनकर उनका समाधान कैसे हो सकता है, ये मीटिंग कार्यकर्ताओं की इसलिए थी। बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी में बीएमसी कर रही छात्राओं का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रवृत्ति न मिलने से परेशान छात्राओं ने गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वीसी के रावत तक छात्रों से मिलने से नाराज छात्राओं ने मेन गेट पर ताला जड़ दिया। छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने 5 महीने पहले छात्रवृत्ति को बढ़ाने का लेटर जारी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन पुरानी स्कॉलरशिप देकर उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा रहा है, जिसका बीएमएस की छात्राओं ने विरोध किया। यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठी छात्राओं का कहना है कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन बड़ी हुई स्कॉलरशिप नहीं देता, तब तक यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर उनका धरना जारी रहेगा। सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब से लेकर
कि अब तक हमसे सिर्फ रात को एक बार रजिस्ट्रार मैम और हमारे प्रिंसिपल सर वो मिलने आए हैं। दिन में हमारे प्रिंसिपल सर मिलने आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रोसेस चल रही है। बात यही है कि 5 महीने से ये प्रोसेस चल ही रही है लेकिन रिजल्ट तो आज तक कुछ नहीं निकला, इस वजह से ये कंटिन्यू रही। उसके बाद रात को 1 बजे के आसपास रजिस्ट्रार मैम आए थे एक बार के लिए। उन्होंने पूछा हमारी मांगे क्या है, हमने उनको कहा कि जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है आप हमें लिख के दे दीजिए कि आप हमारा काम कर दोगे। तो उन्होंने सीधा कहा कि लिख के नहीं दिया जाता है ऐसे कोई भी काम और इस तरीके से काम नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने लिखने के लिए बात कहा, उन्होंने लेकिन ये साथ में ये कहा कि वीसी मैम के बिना अप्रूवल नहीं मिलता है। और वीसी मैम पूरा दिन हमसे मिलने नहीं आए, 1 बजे सारे के सारे टीचर्स सब चले गए थे अपने अपने सोने के लिए क्योंकि नींद बहुत प्यारी होती है उनको ऑब्वियसली। और उसके बाद कोई भी यहाँ पे नहीं था सिंगल। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया है इन कॉलेज की छात्राओं ने। दरअसल बढ़ी हुई स्कॉलरशिप नहीं मिलने तक इनका जो धरना है वो जारी रहेगा। ऐसे ही BAMS की छात्राएं हैं जिन्होंने ये प्रदर्शन किया। अब बात हिसार की करते हैं जहां पर नगरपालिका कर्मचारी संघ ने 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के अलावा क्लर्क श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हुए हैं। एक तरफ जहां सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, नगरपालिका कर्मचारी संघ हिसार के प्रधान प्रवीण कुमार ने कहा कि 24 मई 2018 को कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार से सहमति बनी थी लेकिन सरकार ने उसे लागू नहीं किया, जिसके बाद अक्टूबर 2018 में भी सरकार ने भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों को जल्द मान लिया जाएगा लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी, जिसके चलते उन्होंने 27, 28 और 29 अगस्त को 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। आपका जिला आपकी खबर में वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर अब इंद्री से है जहां पर बिजली कर्मचारियों ने ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के झंडे के नीचे प्रदर्शन किया। बता दें कि बिजली घर में कार्यरत जेई हरिकिशन को लाइन लॉस का दोषी बताकर सस्पेंड किए जाने को लेकर कर्मचारियों में रोष बरकरार है। कर्मचारियों ने निगम के अधिकारियों और प्रबंध मंडल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जल्द ही जेई को बहाल करने की मांग भी उठाई है। साथ ही कर्मचारियों ने जल्द मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी। आज का ये निर्णय लिया गया और कल भी निर्णय लिया गया था, गेट मीटिंग चल रही है, हरिकिशन जेई सस्पेंड हुआ है, ये सरासर बिल्कुल अधिकारियों ने एक साजिश रचाकर इसको सस्पेंड किया गया, जबकि ये जेई बहुत अच्छा काम करता है और करते आ रहे हैं। इसने जो भी काम इसको सौंपा गया सारा इसने पूर्ण रूप से ठीक ठाक काम करवाया। फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से प्रदेश के कई हिस्सों में की जा रही हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। पलवल सिविल अस्पताल में फार्मासिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल के चलते मरीजों को दवाई लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दवाई लेने के लिए घंटों तक लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता नहीं होने के कारण भी मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इधर प्रदेश भर के मार्केटिंग बोर्ड के ठेकेदारों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के ठेकेदार पंचकुला के HSAMB बोर्ड मंडी भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। ठेकेदारों का आरोप है कि उन्हें काम की पेमेंट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों की 300 करोड़ की पेमेंट विभाग में अटकी हुई है। ठेकेदारों का यह भी कहना है कि अपनी पेमेंट की मांगों को लेकर वो कई बार मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन बावजूद इसके इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठेकेदारों ने बताया कि जब तक हमारी पेमेंट नहीं मिलेगी तब तक हम काम नहीं करेंगे।
तो रादौर में एक युवक की पैसे के लेन देन को लेकर बहरहमी से पिटाई कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात युवकों ने पीड़ित को पश्चिमी यमुना नहर की पटरी पर बुलाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। हमलावर युवकों ने उसे नहर में भी गिराने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे एक राहगीर को शोर मचाने पर वहां हमलावर युवक उसे छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसके सिर में गंभीर चोट होने के कारण उसे यमुनानगर रेफर कर दिया गया। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।